अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। विंटर्स में बहुत ही आसानी से वज़न कम किया जा सकता है। कुछ टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी, और जो मैं आपको प्लान बताने लगी हूँ ना, ये इतना फ्लेवरफुल होगा और न्यूट्रिएंट डेंस होगा, और सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड होंगे, वो वाले फूड ग्रुप्स विद पोर्शन कंट्रोल जो कि हमें वेट लॉस में रिक्वायर्ड होते हैं। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा, इसके अंदर यह है कि आपने करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना विंटर्स में बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों का जो विंडो है ना, वो ज़रा मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी कर दूंगी। वो 2 PM से लेके 10 तक होगा, 10 PM तक, ठीक है? क्योंकि मज़ा आता है ना आप फैमिली के साथ। मुझे पता है कि टाइमिंग्स ऐसे हुए हुए होते हैं कि अगर आप अर्ली अगर डिनर कर लें ना 6 या 7 बजे विंटर्स में, तो फिर जब पूरे फैमिली मेंबर्स खाना खा रहे होते हैं तो हर कोई कह रहा होता है कि आ जाओ तुम थोड़ा सा खा लो, या फिर ये रीज़न होता है, या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि आपको रात में भूख लग जाती है। अगर आपने अर्ली डिनर किया हुआ होता है तो फिर आप कुछ ना कुछ अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने उस विंडो को ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। मीन्स 2 PM आपका पहला मील होगा और 10 PM आपका सेकंड मील होगा, राइट? अच्छा जी, इसमें यह है कि जब आप, जैसे कुछ लोग फजर के वक्त से उठ जाते हैं, तो वो लोग अपना नाश्ता किस तरह से कर सकते हैं, वो इतना फ्लेवरफुल और इतना न्यूट्रिएंट डेंस होगा, और वो आपका जो पीरियड है तकरीबन नाश्ते से लेके जो भी फजर से लेके 7-8 बजे तक का जो नाश्ता होगा वो मैं आपको बताऊंगी, वहां से लेकर 2 PM तक आप आराम से आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा और आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। उसमें यही है कि आप टी कॉफ़ी जो चीज़ कंज्यूम करना चाहते हैं बिल्कुल करें, 2 ग्लास नीम गर्म पानी के आप ले लें, ठीक है? और उसके बाद टी कॉफ़ी कंज्यूम करें, और उसके साथ आपने क्या करना है, आप या तो 2 स्मॉल खजूर का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ आप कुछ नट्स ले सकते हैं, 6 से 7 बादाम ले सकते हैं, बल्कि आप 10 बादाम तक भी ले सकते हैं, और इसके साथ आपने 3 अखरोट लेने हैं, या आप पीनट बटर ले लीजिए, या आप थोड़े से पीनट्स ले लीजिए। इसके अलावा आप 2 मीडियम साइज़ की जो इंजीर होती है उसको आप जो है वो ओवरनाइट सोक कर लीजिए ऑलिव ऑयल में, या किसी भी ऑयल में, ठीक है, या होममेड घी में, और उसके बाद आप उसे ऑलिव ऑयल में, तो ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो आप कंज्यूम कर लें, ठीक है? और उसके साथ टी और कॉफ़ी ले लीजिए, या फिर जो आलू बुखारे होते हैं वो भी आप ले सकते हैं नट्स के साथ, या फिर जो खुबानी होती है ना, एप्रिकॉट होती है ड्राइड, वो भी आप ले सकते हैं, उसके भी पीसेस कट करके उसे सोक करें ओवरनाइट ऑलिव ऑयल में या घी में, होममेड घी में, और उसके बाद आप इसे कंज्यूम कर लें और टी और कॉफ़ी के साथ, राइट? तो ये आपका हो जाएगा नाश्ता, और इसमें जो फाइबर है नट्स की शक्ल में, प्रोटीन है और गुड फैट्स हैं इसके अंदर, तो ये आपको काफ़ी देर तक आपको जो है वो फुलर फील कराएगा, ठीक है? आपको भूख नहीं लगेगी और आपका 2 PM तक टाइम बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड हो जाएगा। और इसके अलावा आप यखनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है ना? यखनी भी आप पीते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी वेट लॉस के लिए। सर्दियों में तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम कंज्यूम करना पसंद करते हैं, राइट? अच्छा जी, 2 PM पे आपका मेन मील होगा, और उसमें हमें ये ख्याल रखना है कि वही पोर्शन कंट्रोल के साथ आप जो है वो एक मीडियम साइज़ की आप अपने हैंड साइज़ की आप रोटी ले सकते हैं, बेसन की रोटी ले लीजिए, ओट्स की रोटी ले लीजिए, या फिर बाजरे की रोटी ले लीजिए, उसके साथ आपने जो है वो पकी हुई कोई सब्जियां हो या कबाब हो, या किसी दिन अंडा ले लीजिए, ठीक है, मिक्स वेजिटेबल एग, या किसी दिन आप जो है वो चनों का साग ले सकते हैं, जो साग होता है पत्तों वाला साग आप वो भी ले सकते हैं, पालक पनीर भी आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने, इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। इस रोटी के साथ लें, थोड़ा सा दही लें, थोड़ा सा अचार लें, और आपका हो गया ये बेहतरीन सा नाश्ता। इतने ग़िज़ाइयत भी है इसके अंदर, और इसके अंदर फ्लेवर्स भी हैं सारे जो हम सर्दियों में खाना चाहते हैं, ठीक है? और वीकेंड पे अगर आप जो है वो निहारी या पाए अगर खाना चाहते हैं, तो वैसे मैं आपको मैं बताऊंगी कि होममेड निहारी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी एक दफ़ा इसको पोस्ट किया था कि वेट लॉस निहारी आप किस तरह से बना सकते हैं, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आप बिल्कुल उसको बनाएं, और उसके अंदर बिल्कुल कम ऑयल में आप उसे निहारी बनी हुई हो उसके ऊपर तड़का वगैरह कुछ ना लगाएं, क्योंकि उसके अंदर जो मीट होता है उसकी अपनी चिकनाई ही बहुत ज़्यादा काफ़ी होती है उसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए, ठीक है? तो इस तरह से आप कम क्वान्टिटी में निहारी और 2 मीडियम साइज़ की 2 से 3 मीडियम साइज़ की उसके साथ जो प्रोटीन कॉन्टेंट होता है, जो बोटी होती है, वो आप ले सकते हैं, या पाए का शोरबा भी आप ले सकते हैं हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा,
तो आप पायो निहारी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी है जो है वो पोर्शन कंट्रोल के साथ है, उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। और जो रोटी के मैंने ऑप्शंस बताए ना इन्हीं रोटी के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है। और उसको ज़रा रोटी को ज़रा सा क्रिस्पी सा करके, उसके पीसेस करके आप उसे उसमें डिप करके स्पून से भी खा सकते हैं। तो ये कितने मैंने आपको, ये कैलोरीज इसमें कम है और न्यूट्रिएंट डेंस है और सारे फूड ग्रुप्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह एक बहुत ही मज़ेदार सा आपको नाश्ता मिल जाएगा और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आपने शाम की चाय के साथ, देखिए 2 बजे अगर आपने मील लिया हुआ होगा तो उसके बाद तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, ये नाश्ता प्लस लंच हो गया, ठीक है, जिसे ब्रंच कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद शाम की चाय के साथ आप मखाने या पॉपकॉर्न ले सकते हैं, ठीक है, नट्स ना लें क्योंकि ऑलरेडी नट्स आप नाश्ते में ले चुके हैं। अच्छा जी, नाश्ते में समटाइम्स अगर आपका जौ का दलिया खाने का दिल करता है तो आप वो भी ले सकते हैं। जौ का दलिया आप सब्जियों के साथ नमकीन बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर आप किसी दिन आप हाफ जो रॉ बनाना होता है, कच्चा बनाना होता है, या फिर एप्पल हाफ एप्पल लेके उसमें थोड़ा सा, या तो पीनट बटर जिनको पीनट से एलर्जी नहीं है वो, या फिर बादाम और अखरोट के साथ भी आप ले सकते हैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा, जैसे आपका दिल चाहे। मैंने आपको कितने सारे ऑप्शंस दे दिए नाश्ते में, ठीक है। अच्छा जी, शाम की चाय में मैंने आपको कहा है कि नट्स नहीं लेने हैं, मखाने ले लीजिए या फिर पॉपकॉर्न ले लीजिए, ठीक है। बस टी, ग्रीन टी, कॉफ़ी जो भी आपने लेनी है, और दूध पत्ती नहीं होनी चाहिए, विद वेरी लेस मिल्क आपने चाय का इस्तेमाल करना है। जिंजर उसके अंदर इस्तेमाल करनी है चाय के अंदर, उसको फ्लेवरफुल भी बनाएगा और आपको माइनर इन्फेक्शन होने से भी आपको प्रिवेंट करेगा, राइट। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद आ जाता है आपका 10 बजे जो आपका मील होगा वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अच्छा जी, डिनर में आपने क्या करना है कि जो भी आपके घर में खाना बन रहा है उसके अंदर आपकी प्लेट में प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, मीट का ऑप्शन होना चाहिए और पकी हुई सब्जियां होगा। अगर कच्ची सब्जियों का सलाद खाने का दिल नहीं करता है तो आप ना लें, सब्जी पकी हुई होनी चाहिए। आप सूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मसाला ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो घर में अगर कीमा बना हुआ है, चिकन बना हुआ है या मीट बना हुआ है तो वो आप मसाला ओट्स के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके भी खा सकते हैं। और रात में हफ्ते में 2 दिन आप रोटी और चावल भी ले सकते हैं, ठीक है, पोर्शन कंट्रोल के साथ। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका पूरा विंटर डाइट प्लान, बहुत ही, देखे मैंने आपको इजी करके बता दिया इतने फ्लेवरफुल खानों के साथ। और जो आपका वर्कआउट होगा, जो आपकी एक्सरसाइज होगी, वो जो आपने सुबह नाश्ता किया हुआ होगा उसके आप आधे या 1 घंटे के बाद आप 1 घंटे की आप वॉक या एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उसके बाद आप 2 PM अपना मेन मील ले लीजिएगा। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, इसमें आपने हाइड्रेशन का अपना ख्याल रखना है, ग्रीन टी, टी, कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं, और अगर सुबह नाश्ते में जैसे मैंने आपको बताया कि आप यखनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन द मीन टाइम अगर आपको दरमियान में कभी भी भूख लगती है तो आप जो है वो यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यखनी के अंदर ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करें, वो भी आपको डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन से बचाता है। और यखनी में थोड़ा सा हल्दी का भी इस्तेमाल करें तो वो भी आपको बहुत सारी, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करती हैं ये सारी चीज़ें। देखिए, कोई एक चीज़ आपका वेट लॉस नहीं कराती है, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करना होता है, फिर आपको हर तरह से बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। और रात में आप अपनी साउंड स्लीप लें, अपनी नींद का ख्याल रखें, और रात का रूटीन तो मैंने आपको बता दिया था, इन सब चीज़ों को फॉलो करें। तो ये था बहुत ही ज़बरदस्त सा, माइंड ब्लोइंग सा डाइट प्लान, इसको फॉलो करें, अपने विंटर्स भी इंजॉय करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मुझे दुआ में याद रखें। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ऐसी मजीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।